हमने पूछा था कि आपकी वकालत कितने समय की है आपने कहा था शायद छः महीने हमने कहा था ठीक है हम आपको दोबारा एक और मौका देते हैं क्योंकि तो आप जिस कॉन्फिडेंटली बहस कर रहे थे तो हमने कहा नहीं आपको और पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए तो सिविल ये मैडम का पर्सनल केस दिख रहा है नॉट इज नॉट अपेयरिंग एज ए जूनियर तो कभी जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए नोटिस कर देने चाहिए कि नहीं करने चाहिए तो जब मोटिवेट करने के लिए नोटिस कर देने चाहिए तो सी पेमेंट क्यों नहीं कर सकता <laughs> तो एज अ जज हम लोग की यंग जनरेशन को कॉन्फिडेंस डेवलप करने के भी कहीं ना कहीं पे हम अपनी ड्यूटी मानते हैं वैसे है नहीं सोचता हूँ मैडम देखता हूँ ऑर्डर डिक्टेट करते समय क्या दिमाग में चलता है अच्छा पिटिशन क्या है मैडम ये वही केस है जिसमें आपने कहा था सिविल सूट मेंटेनेबल नहीं है ऐसा कुछ है क्या <laughs> तो हमने आपसे पूछा था क्यों मेंटेनेबल नहीं है फिर हमने पूछा था कि आपकी वकालत कितने समय की है आपने कहा था शायद छः महीने है हमने कहा था ठीक है हम आपको दोबारा एक और मौका देते हैं क्योंकि तो आप जिस कॉन्फिडेंटली बहस कर रहे थे तो हमने कहा नहीं आपको और पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए तो सिविल सूट क्यों नहीं मेंटेनेबल जो प्रश्न हमने पूछा था जो ऑर्डर शीट पे तो नहीं है पर हमें याद है आप पेज नंबर ट्वेंटी थ्री देख देखिए ट्वेंटी थ्री पे पेज नंबर ट्वेंटी थ्री ए ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री ए थ्री पी फाइव जी जी पी फाइव हाँ जी जी मैडम इसमें सीएमओ ने अपने लेटर भी लिखा है सरपंच ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत को पेमेंट करने के लिए पर अभी तक कहा लिखा पे, मैडम पेमेंट कर दी जाए ये उपयुक्त तो विषय कार्रवाई करें बस कार्रवाई करे का है? नहीं इसमें लिखा है पूर्व सरपंच हर गोविंद यादव द्वारा पुलिया निर्माण की राशि नियमानुसार कार्रवाई करें नहीं, इसमें ये लिखा है कि पेमेंट का भुगतान किया जाना शेष है अच्छी बात है तो ये मैडम सीईओ जनपद पंचायत पृथ्वीपुर ये पेमेंट करने को तैयार है अपनी जेब सर मैडम स्वाति जी सीईओ जनपद पंचायत पृथ्वीपुर अपनी जेब से पेमेंट करने को तैयार है नो no. क्या उन्होंने कहा है कि पेमेंट करेगी करना ही पड़ेगा पेज में ए है 23 A. 23 A. कहा है क्या क्या उन्होंने लाइबिलिटी स्वीकार की है सीईओ ने hmm? क्या उन्होंने लाइबिलिटी स्वीकार की है मैडम नियमानुसार भुगतान करें तो नियमानुसार में क्या लाइबिलिटी एक्सेप्ट मानी जाएगी सीएमओ कह रहा कि मैंने कोई स्वीकार नहीं किया हमने कहा जो नियमानुसार है वो करें

जब इन्होंने अपनी लाइबिलिटी एडमिट कर ली थी तो हमने नोटिस कर दिए है और लाइबिलिटी एडमिट नहीं हुई है तब तो सिविल सूट ही होगा वन फाइव थ्री फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मैडम स्वाति मैडम yes. ये मैडम का पर्सनल केस दिख रहा है नॉट ए शी इज नॉट अपेयरिंग एज ए जूनियर तो कभी जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए नोटिस कर देने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं चाहिए तो जब मोटिवेट करने के लिए नोटिस कर देने चाहिए तो सीएमओ पेमेंट क्यों नहीं कर सकता फिर पेमेंट करवा दी नोटिस होगा तो फिर हम रिप्लाई दे, दे देंगे कि <laughs> मतलब हमारे सर पे आप डालोगे मैडम मैं मोटिवेट करने के लिए चाहता हूँ नोटिस करना पर ये प्रेसिडेंट की तरह साइट होना शुरू हो जाएगा ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं साहब आपने उसमें भी नोटिस किया इसमें भी होगा सर <laughs> अरे हो जाएगा हो जाएगा ये प्रॉब्लम है मुझे एक्चुअली एज ए जूनियर अपियर हो रही होती है ना किसी ऑफिस से तो मैं कभी नहीं क्वेश्चन पूछता ये इनका पर्सनल केस लगा क्योंकि इस वकालतनामा में सिर्फ इन्हीं का नाम है किसी और का नाम है और 23 का रजिस्ट्रेशन है इनका बहुत ज्यादा लेंथ ऑफ तो प्रैक्टिस नहीं है 6 साल 6 3 पर मैं इस कारण से नोटिस कर नहीं सकता कि दैट अपीयर टू तो बी आवर फर्स्ट केस और नोटिस कर दूंगा तो ऐसे प्रेसिडेंट साइड होगा यू आल्सो ऐसा ना बोलो सर तो प्रॉब्लम तो रोज फेस करते हैं मैडम हैवी हार्ट है बट सर नोटिस कर दीजिए मैडम कह देना कि हम पेमेंट भी करा देंगे सपोज की करनी है वैसे पर होगा सर चलो मैं देखता हूँ मुझे सोचने दीजिए कि वेदर i should dismiss it or care क्योंकि तो एक फ्रेश केस पर्सनल केस में नोटिस होने में जो मोटिवेशन आता है दैट दैट कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड बट आई एम एप्रिहेन्सिव ऑफ

बाद वाले शब्द वापस ले मैं देखता हूँ अभी एकदम से खारिज नहीं कर पा रहा हूँ है। है? हाँ। ये प्रेसिडेंट मुझे डर है प्रेसिडेंट हो जाएगा सर बेनिफिट भी हो जाएगा मैडम मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है आज ही हमने एक पिटिशन खारिज की ना सिविल सूट पे यही तो कह रहे थे हमारा रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करो तो बाकी तो हम ले लेंगे वहां से वो एज अ प्रेसिडेंट साइड होने लग जाएगा इस बात पर प्रॉब्लम है पर खारिज होने से या नोटिस होने से इनको कितना मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा दैट आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड वो अनकम्पेरेबल हो जाएगा तो एज अ जज हम लोग की यंग जनरेशन को कॉन्फिडेंस डेवलप करने की भी कहीं ना कहीं पे हम अपनी ड्यूटी मानते हैं वैसे है नहीं सोचता हूँ मैडम देखता हूँ ऑर्डर डिक्टेट करते समय क्या दिमाग में चलता है अच्छा बट येस yes, मैंने अभी कहा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले ऑन द लास्ट डे यू आर कॉन्फिडेंट दैट्स वाई आई है क्वेश्चन यही था कि सिविल उठ जाएगा एंड अ पर्सन है प्रैक्टिस ऑफ सिक्स मंथस आर्ग्यूइंगल केस विध सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वॉज रिमार्केबल और दैट इज रिमार्केबल आप उस दिन भी था और आज भी है नहीं तो हम अपना हम अपने आप को जब उस स्टेज पे लाते हैं ना तो हमको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन व्हाट वी वर परफॉर्मिंग एट दैट स्टेज सर पर नोटिस कर दीजिए तो वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन की कोई मतलब नहीं है मैं देखता हूं मैडम देखता हूं मुझे डर वो एज अ प्रेसिडेंट साइट होने लग जाएंगे चलो